हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। इरफान यदि ने थोड़े ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और देख लो भाई ने एकदम बाल कटा दिए हैं। तो कैसा लग रहा है आपका भाई, कमेंट करके बताना। तो थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, NS160 है 2023 मॉडल जो न्यू लॉन्च हुआ है, E20 वाला, जिसमें E20 वाला पेट्रोल डलता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं इसका ब्लॉग बनाते हैं। और ये 160 है मैंने आपको रिसीव बताया, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें। ऑल राइट फ्रेंड, तो फ्रेंड से जैसे कि आप देख रहे हो, देखो 160 और 200 NS में एक ही फ़र्क, वो है इंजन की, बाकी सब कुछ A to Z सेम टू सेम है। ओके तो फ्रेंड से देखो, पहली बात तो मतलब सबसे बुरी चीज़ ये लगती है कि यार 2023 आ चुका है पर इस बाइक में अभी भी हैलोजन बल्ब का यूज़ करा जा रहा है, ना प्रोजेक्टर ना LED, कुछ भी नहीं, सिंपल सोवर जैसे पहले थी वैसी ही है, जैसे BS4 थी वैसी ही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। और आने वाले टाइम में यार चेंज होना चाहिए। USD फोक्स तो चलो आप जो नया मॉडल आ गया है उसमें मिल चुके हैं 200 NS में और इसमें भी हैं, पर जो लाइट्स के हैं ना यार बहुत मतलब नेगेटिव पॉइंट है लाइट वाला। तो फ्रंट पे पूरा हेलोजन सेटअप मिलता है, उसके बाद आगे का मडगार्ड कुछ इस तरीके का है, इसमें देखो फाइबर वाला, फिर यहाँ पे ABS डुअल चैनल ABS मिल जाते हैं, USD फॉक्स कुछ इस तरीके के हैं। ओके देखो ब्रेकिंग ये वाली है इसमें, ब्राइबरी की ब्रेकिंग है ना, ब्रेम्बो की ये वाली ब्रेकिंग है इसमें। ओके उसके बाद साइड प्रोफाइल से देखे तो इसे किक मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है। 160 cc का इंजन है, सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है इसमें। ओके पीछे मोनोकॉक सस्पेंशन मिल जाता है रेड कलर का, फिर N160 की बैचिंग ग्लॉसी ब्लैक और ग्लॉसी रेड में है इसकी पूरी बाइक का कलर। फ्रंट टायर की बात करें तो फ्रंट टायर का जो साइज़ है हमारा वो है, साइज़ में दिख रहा है यार इसका, हाँ इसका साइज़ है 100/80/17। और जो रियर प्रोफाइल का टायर है उसका साइज़ बताता हूँ मैं, थोड़ी गाड़ी गंदी हो रखी है, 130/70/17। ठीक है तो ये रियर प्रोफाइल है, देखो रेडियल टायर्स नहीं आते, नॉर्मल टायर्स आते हैं इसमें। रियर प्रोफाइल से बात करो तो रियर प्रोफाइल से बाइक कुछ इस तरीके की लगती है, वो ये हैलोजन बस LED लाइट मिल जाती है आपको। उसके बाद जो इसका पीछे का जो लुक है ना, जो इसका पीछे का लुक है ना यार, वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लगता है। और मतलब यार जिसका बजट थोड़ा कम है ना, 125 की भी बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, 160 की भी सेल हो ही रही है, और 200 NS तो क्या ही बोले, वो तो एक अनबीटेबल मशीन है 200 cc में। ओके पीछे का टायर का प्रोफाइल बता दें, सीट कंफर्ट बहुत तगड़ा बाइक में, राइडर के लिए भी पिलियन के लिए भी, लंबे टूर में भी जा सकते हो बाइक को लेके कोई दिक्कत नहीं होने वाली, राइडर के लिए भी काफ़ी चौड़ी सीट है और पिलियन के लिए भी, पिलियन भी काफ़ी कंफर्ट बैठ सकते हैं, सीट कंफर्ट मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा उसे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम कोई बेकार चीज़ें बैठ रहे हैं। अगर कोई भी लंबा टूर लेके जाओगे आप इस बाइक को, अगर राइडर और पिलियन दोनों हैं तो बहुत कंफर्टेबली वो राइड करेंगे दोनों के दोनों, कोई दिक्कत नहीं होगी, उनकी जर्नी एकदम अच्छे तरीके से होगी। फ्यूल टैंक की बात करें तो 14.5 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक मिल जाता है। उसके बाद आता है ये हमारा, देखो हैंडल बार स्विचेस हो गए, इसमें जो लाइट्स हैं इसकी वो बहुत तकड़ी लगती है मुझे। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वही है NS200 वाला, यहाँ पे सारे जो हमारा RS में आता है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बाकी कुछ नहीं है। गियर इंडिकेशन वाला यहाँ पे आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था नया वाला जो फीचर से गियर इंडिकेटर हो गया है कितने किलोमीटर चल रखी है, और फ्यूल MT वाला जो आता है वो इंडिकेशन है इसमें कितने किलोमीटर चलेगी, कितना तेल बचा हुआ है, बाकी नॉर्मल वही है सारे, ABS की लाइट होगी, फ्यूल वगैरह सब, टाइम जो A to Z सारी। बस दो चीज़ों की दिक्कत थी वो भी पूरी हो चुकी है, बाकी सही लग रहा है, एनालॉग प्लस डिजिटल है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बाकी जो है लाइट्स है यहाँ के, आपको पता है लाइट्स ऑन तो होती है नहीं क्योंकि BS6 गाड़ी है, और ये देख लो आप E20 लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके फ्यूल इंजेक्शन भी लिखा हुआ है यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, ये सब चीज़ थी। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, देखो 5 गियर मिलते हैं इसमें, 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ ये बाइक आती है, 6 गियर नहीं मिलते, 6 गियर हमें NS200 में मिलते हैं और NS125 में भी हमें 5 ही गियर मिलते हैं। ओके बाकी आजकल बहुत सारे लड़के हैं जो आजकल का यूथ है वो 125 खरीद के उसे मॉडिफाई करा रहा है, कोई ब्रॉड टायर लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, पर कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। बाकी एवरेज की बात करो देखो यार 35 से 40 का एवरेज आराम से दे रही है बिना किसी दिक्कत के। और बजाज की बाइक है तो यार देखो, बजाज की बाइक में ये होता है कि अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है, मेंटेनेंस भी कम है और पावर भी ठीक ठाक है। टॉप स्पीड की बात करें तो टॉप स्पीड भाई ने यहाँ 120 तक इसे पहुँचा रखा है, और मैं आपको ये बोलूँगा अगर आप भगाते हो तो पूरे एक सेफ्टी गियर के साथ भगाना चाहिए, वैसे मत भगाना। बाकी डुअल चैनल ABS मिल जाता है, सीट कंफर्ट बढ़िया है, एवरेज बढ़िया है, फीचर ठीक ठाक मिल जाते हैं, 5 गियर मिलते हैं गाड़ी में क्योंकि जिस हिसाब से 160 cc का इंजन है 5 गियर इनफ है, 6 गियर देने का कोई बनता ही नहीं है। MT वालों को इतना नहीं कि 6 गियर दे दिए और बाइक रो रो के बोल रही है,
एमटी वालों पर, ये बाद में ये मत बोलना एमटी वालों की बेइज्जती कर रहा हूँ, एमटी वालों की कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ मैं, बस ये बोल रहा हूँ एमटी बाइक जो है एमटी को इससे कंपेयर मत करना। पर ये है कि इसमें 160 सीसी के हिसाब से 5 गियर दे रखे हैं, वो ठीक है, इनफ है इसके लिए। बाकी ग्राफिक्स आप देख सकते हो, रेडियल टायर नहीं मिल रहे इसमें, ठीक है, जिस प्राइस रेंज में आती है 170,000 रुपये में आपको ये बाइक मिल जाती है पूरी, जो कि ठीक है, ज़्यादा ओवर प्राइस भी नहीं है 160 सीसी के हिसाब से। देखो 170,000 में आपको क्या क्या मिल रहा है, डुअल चैनल एबीएस मिल जा रहा है, 820 की बैचिंग मिल जा रही है, 14 लीटर का टैंक मिल जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इतना अच्छा मिल जा रहा है, एवरेज मिल जा रहा है, सीट कंफर्ट मिल जा रहा है, और क्या लोगे। और मेन बात NS की बैचिंग, जिसके लोग दीवाने हैं वो चीज़ सबसे ज़्यादा मिल जा रही है। बाकी मैं ये बोलना चाहूँगा कि 160 सीसी में अगर आप कोई बाइक ढूंढ रहे हो डेली कम्यूट के लिए भी और वैसे टूर के लिए भी, तो आप इसे देख सकते हो बिना किसी दिक्कत के, बाइक खतरनाक है, वैल्यू फॉर मनी है और बेस्ट है। एक बार इसकी साइन सुनाता हूँ मैं आपको। और इंजन की बात करूँ तो इंजन में देखा जो बताया मैंने आपको, 160 सीसी का इसमें सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है जो पावर हमें प्रोड्यूस करके देता है 18.5 bhp की। ओके तो चलो उसकी आवाज़ सुनते हैं। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ध्यान रखो अपना, अपनी फैमिली वालों का। बाय।